हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं टैक्स गुरु चैनल पर। दिस इज़ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज का जो ये वीडियो लेसन है, ये किसके अबाउट होने जा रहा है? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्रिटिसिज्म के अबाउट। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ स्टेजेस पियाजे की थ्योरी के पढ़ाए हैं, आप देख लेना, अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो है पियाजे थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो आज क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे एडवांटेज पॉइंट होने के बावजूद भी पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। ठीक है, तो आज तमाम उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही पेज में आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, वो स्टेजेस में होता है। और इस संसार में जितने भी बच्चे अभी हैं, वो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी न किसी स्टेजेस में होंगे, वो डेवलप हो रहे होंगे, ऐसा मानना है पियाजे का। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल्चर सोसाइटी इन्फ्लुएंस। कल्चर सोसाइटी इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दोस्तों कि पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर इस पॉइंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है कि कल्चर सोसाइटी का कुछ इन्फ्लुएंस हो भी सकता है डेवलपमेंट में। उन्होंने कम्प्लीटली एज को, या फिर आप कह लें हेरिडिटी को, या फिर आप कह लें बायोलॉजिकली मैचुरेशन को, ये तीनों पॉइंट एक ही हैं दोस्तों। इन्होंने एज को बहुत ही बड़ा फैक्टर माना है किसी भी बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में। और कल्चर सोसाइटी को तो इन्होंने बिल्कुल साइड ही कर दिया है कि भाई किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट से या फिर कल्चर से, सोसाइटी से प्रभावित भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है 6 साल का, वो अपने, उसके जो माता पिता है उनका एक जर्नल स्टोर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं किराना स्टोर, और वो स्कूल से अपने जर्नल स्टोर में आता है, अपने माता पिता का के काम में हाथ बटाता है। तो बेसिकली जब वो जर्नल स्टोर में बैठता है तो बेसिकली उसको पता होती है कि दाल कहाँ पर रखी हुई है, चावल कहाँ पर रखे हुए हैं, या फिर ब्रेड कहाँ पे रखा हुआ है, चीनी कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है वो। तो वो 6 साल की उम्र में ही क्लासिफिकेशन करना सीख चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा तो आप अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएंगे, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन पियाजे ने कहा है, अगर पियाजे की स्टेजेस की बात करें, कि क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो 7 से 11 साल तक के बीच में ही आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इवन एक 6 साल का बच्चा भी चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है अगर हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें और अगर हम उसे अच्छे से ट्रेनिंग दें तो बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पियाजे की जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली एज के ऊपर ही डिपेंड करती है, कि एज अगर बढ़ेगी तो पियाजे की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे का अच्छे से कॉग्निटिव जो है वो डेवलप कर पाएगा। कॉग्निटिव का मतलब है दोस्तों ब्रेन। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि सपोज़ करें कि एक 25 साल का एडल्ट है, और 25 साल की एडल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो उसकी जो थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो अच्छे से डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन कई बार हमने रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि एक 25 साल का एडल्ट भी अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाता, अच्छे से इमेजिनेशन नहीं कर पाता, लेकिन एक 15 साल का बच्चा अच्छे से इमेजिनेशन कर पाता है। तो बेसिकली एक 10 साल का बच्चा भी इवनली 25 साल के एडल्ट से भी अच्छा सोच सकता है अगर हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग दें। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इफेक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो एक इवन एक प्ले स्कूल का बच्चा भी, प्ले स्कूल का बच्चा भी जो है क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएगा। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि आजकल प्राइवेट स्कूलों में 8th क्लास के अंदर ही, 9th क्लास के अंदर ही 10th क्लास का मैथमेटिक्स टीच करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग दें तो उसकी कुछ एबिलिटीज़ हैं वो पहले से हम उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग का इफेक्ट जो है पियाजे ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। और उसके बाद अगर बात करें हम
ट्रबल विद स्टेजेस, ट्रबल विद स्टेजेस का मतलब है दोस्तों कि प्याजे ने अपनी थ्योरी के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर चार स्टेजेस दी हैं कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो इन चार स्टेजेस के अंदर अंदर होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था एक बार कि जो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि बर्थ से डेथ तक कॉन्टिन्यूसली लगातार होती रहती है। लेकिन प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि उन्होंने सारा डेवलपमेंट जो है स्टेजेस के अंदर दिया हुआ है। एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस थ्योरी की ये भी रही है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं कि प्याजे ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे का विकास जो है वो स्टेजेस में होता है, और हर स्टेजेस में, चाहे वो पहली स्टेज हो, चाहे वो सेकंड स्टेज हो, चाहे आपकी थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, हर स्टेजेस में कुछ ना कुछ चीज़, एक स्पेसिफिक चीज़ें, एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं। अब प्याजे ने ये कहा है कि जो पहली स्टेज है उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो केवल पहली स्टेज के अंदर डेवलप होती हैं, जो सेकंड स्टेज की एबिलिटीज सेकंड के अंदर ही डेवलप होंगी, ऐसे ही थर्ड स्टेज की एबिलिटीज थर्ड स्टेज के अंदर ही डेवलप होंगी, और ऐसे ही फोर्थ स्टेज की एबिलिटीज जो हैं वो फोर्थ स्टेज में ही जो है डेवलप होंगी। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज में जो डेवलप नहीं हो पाया वो सेकंड स्टेज में डेवलप हो रहा होता है, सेकंड स्टेजेस में जो डेवलप नहीं हो पाया वो थर्ड स्टेज में डेवलप हो रहा होता है, ऐसे ही थर्ड का जो डेवलपमेंट है वो कभी कभी फोर्थ स्टेजेस में देखने को मिलता है। तो ये खिचड़ी सी पक जाती है बेसिकली, ठीक है। अब प्याजे ने कहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या फिर डिडक्टिव थिंकिंग है वो केवल और केवल फोर्थ स्टेज में ही डेवलप होगी, लेकिन ट्रेनिंग से, अगर बच्चे को अगर अच्छी ट्रेनिंग दे तो थर्ड स्टेजेस में ही हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो सब कुछ ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग। तो प्याजे ने बेसिकली कल्चर, सोसाइटी, ट्रेनिंग, इन सब के इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और स्टेजेस में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है बेसिकली वो एक खिचड़ी सी पक जाती है कि फर्स्ट स्टेजेस के जो डेवलपमेंट हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, वो सेकंड स्टेजेस के अंदर शो हो रही होती है, ठीक है, ऐसी सेकंड की थर्ड स्टेजेस में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है प्याजे की थ्योरी में। और उसके बाद कुछ और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अंडर एस्टिमेटेड चाइल्ड्स एबिलिटी एंड ओवर एस्टिमेटेड एडल्ट्स एबिलिटीज़। तो बेसिकली प्याजे ने ये कहा है कि जो चाइल्ड है उसकी जो एज है वो कम होने की वजह से उन्होंने उनकी एबिलिटीज़ को कम आंका है, जबकि जो एडल्ट है उनकी एज बढ़ जाती है तो वो उनका जो ब्रेन है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो उनकी एबिलिटीज़ को उन्होंने बहुत ही मतलब ओवर एस्टिमेट कर दिया। और उनके अकॉर्डिंग ऐसा मानना था कि एक 10 साल का बच्चा और एक 25 साल के एडल्ट के कॉग्निटिव लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक 25 साल का जो एडल्ट है वो काफ़ी अच्छे से सोच पाएगा, अच्छे से डिसीजन ले पाएगा एज़ कंपेरेटिवली 10 साल के बच्चे के बराबर, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग दें बच्चे को, अच्छे से एनवायरमेंट में उसको अच्छे से ढालें, तो इवन एक 10 साल का बच्चा भी अच्छे से डिसीजन ले सकता है, अच्छे से सोच सकता है 25 साल के बच्चे के बराबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्याजे की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जो है डेवलपमेंट को एज के ऊपर डिपेंड करा दिया था कि अगर एज जो है बढ़ती रहेगी तो कॉग्निटिव लेवल भी बढ़ता है और बच्चे की नॉलेज भी अच्छे से बढ़ती है, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने जो है चाइल्ड की एबिलिटीज़ को कम्प्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो तमाम ये सारी डिसएडवांटेज थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल्चर सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और उसके बाद ट्रबल विद स्टेजेस दी हैं, और हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, और ऐसा डेवलपमेंट जो स्टेजेस के अंदर दिया जाता है वो कम्प्लीटली डिसकॉन्टीन्यूस होता है। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सेकंड स्टेजेस की जो एबिलिटीज़ हैं वो सेकंड स्टेजेस में डेवलप ना होके थर्ड स्टेजेस में डेवलप होती है, और मतलब राइट टाइम पे डेवलप नहीं होती है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में वो डेवलप होती है, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा।
और उसके बाद अंडर एस्टिमेट कर दिया है चाइल्ड की एबिलिटी को और ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं वो एडल्ट की एबिलिटीज को, ठीक है। तो ये सारी तमाम डिसएडवांटेज हमने डीमेरिट्स पॉइंट हमने पढ़े हैं, लेकिन इन डिसएडवांटेज के बावजूद प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बड़ी फेमस थ्योरी मानी जाती है। और इसके बाद हम जो है अभी यहाँ तक हमने प्याजे की थ्योरी को कवर कर लिया है। इसके बाद जो थ्योरी हम कवर करने वाले हैं वो है वाइगोत्स्की की थ्योरी, बड़ी फेमस थ्योरी है, वो भी रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी थ्योरी का अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपके पास कोई डाउट है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।